नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो बेटा क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5√(1 − x²−12x)/30. अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसी पैटर्न में था, पर यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि साइन कॉस के बजाय ये रूट पैटर्न है कि एक्स और √(1 − x²). अभी आपके पास फिर से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि √(1 − x²) अगर है तो आप क्या पुट करा सकते हो, तो x = sin θ और x = cos θ. हम लोग फर्स्ट ही ले लेते हैं कि पुट x = sin θ. अगर x = sin θ है देन θ = कितना हुआ, sin inverse of x. देखो क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, साइन इनवर्स जैसे का वैसा, 5 as it is, √(1 − x²) की जगह पे क्या लिख लिया मैंने, 1 − sin²θ − 12. एक्स की जगह पे क्या लिखा, sin θ. ध्यान देके इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, √(1 − x²) − sin²θ. एक्स यानी सिर्फ sin θ, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रखे. ये तो आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी है. क्या आइडेंटिटी कहती है, 1 − sin²θ यानी cos²θ, एंड √(cos²θ) का मतलब कितना हुआ, सिर्फ cos θ. बाकी पूरा जैसे का वैसा ही है, सिर्फ हम लोग एक चीज को चेंज करा रहे, √(1 − sin²θ, cos²θ, एंड √(cos²θ) का मतलब कितना, cos θ. यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, सो व्हाट वी हैव टू गेट, sin inverse of 5/13 cos θ − 12/13 sin θ. यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तो लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था वो और ये यहाँ से आपको सेम नजर आ रहा, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पहले एक बार कर चुके हम, उसके बावजूद भी ये कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करना है. अभी लास्ट इसमें मैंने क्या किया था, 5/13 12/13 को थीटा फॉर्म लिया था. ऑब्जर्व द क्वेश्चन, थीटा ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में आ चुका है, तो एक्स वाई एंड थीटा को छोड़ के आप कोई और एक अदर वेरिएबल कंसीडर कर लो. सो आई कंसीडर द वेरिएबल अल्फा, क्या मैंने दोनों जगह पे, तो माय फर्स्ट कांस्टेंट 5/13 किसके साथ आया है, कॉस के साथ, इनवर्स किसका चल रहा, साइन का, इसीलिए मैं कंसीडर कर लिया बेटा कि 5/13 के जगह पे मैं पुट करूंगी साइन अल्फा, एंड 12/13 के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस अल्फा. चेक कर लेना कि हम लोग करेक्ट जा रहे हैं या नहीं. सो sin²α + cos²α, 5/13² 25/169, cos अल्फा स्क्वायर, सो 144/169, बोथ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, 25 + 144 = 169 and 169 upon 169 = 1. Then tan alpha is the ratio of sin alpha upon cos alpha, yani 5/13 upon 12/13 upon 13 get cancelled. So value of tan alpha is equal to 5/12. Therefore alpha is equal to tan inverse of 5/12. Go to the original question now. y = √4, but for root we are considering x = sin. Change the question in the form of sin inverse. Then again substituting the values. So question is in the form of y = sin inverse sin alpha into cos θ − cos alpha into sin θ. Look like a compound formula. sin A × cos B − cos A × sin. सिर्फ इतना चेक करना आ जाने को ना कि हमारा A कौन और B कौन. sin A cos B cos A sin B रिप्लेस हुआ sin α cos θ cos α sin θ with which sin minus है. So this is the compound angle formula for sin α − θ. Now sin inverse of sin get cancel out. So y = α − θ.
ना हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में अल्फा था ना हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में थीटा था। अल्फा और थीटा दोनों हम लोगों ने कहीं ना कहीं से लाए थे। सो जहां से अल्फा एंड थीटा लाए थे वहीं से उसके वैल्यूज को फिर से वापस लाना। अल्फा चेक द क्वेश्चन, कहीं पे अल्फा दिख रहा? सो यस वी हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा टैन इनवर्स 5/12 यानी वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 5/12 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओरिजिनलिटी पे वापस चले जाना बेटा। नाउ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डीवाई बाय डीएक्स। ये देखो टैन इनवर्स ऑफ 5/12 में आपको कोई भी वेरिएबल नजर आ रहा नहीं, इट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टेंट। सो डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स 5/12 को कितना लिखेंगे हम लोग? जीरो। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 − x², ये माइनस का माइनस है, ठीक है। सो अवर फाइनल आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू −1/√1 − x². नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4x/1 + 21 x². फिर से बेटा यहाँ पे पैटर्न चेंज, हर एक बार अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में, पैटर्न्स को ध्यान में रखोगे। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4x/1 + 2x². ये पैटर्न में डायरेक्टली टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं किया गया। सो एग्जैक्टली यहाँ पे किया क्या जाता है? तो जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हो? ax² + bx + c = 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट ढूंढने की बात आती है तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, मिडल वाले टर्म को कंसीडर करते हैं और ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं जिसका प्रोडक्ट और सम दोनों उससे सेटिस्फाई हो। सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे किया क्या जाता है? न्यूमरेटर में जो टर्म है वो और डिनोमिनेटर में ये वन के बाद जो टर्म आती है वो, ये दोनों के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना जिसकी सम और डिफरेंस न्यूमरेटर थे और जिसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर। जैसे मेरे पास सम करने के लिए कौन आया 4x और प्रोडक्ट के लिए कौन आया 21x। नाउ यहाँ पे मैंने दो नंबर्स ले लिए, 4x को लिखा मैंने 7x - 3x, तो 7x - 3x कितना हो गया हमारा 4x, और साथ ही साथ 7x × 3x। सो 7 × 3 = 21, x × x, x² यानी मैंने स्प्लिट अप की। ये फॉर्मेट में स्प्लिट अप करने के लिए आप क्या याद रखोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट किसका करना? तो डिनोमिनेटर वाले टर्म का। सम किसकी करना? तो न्यूमरेटर वाले टर्म की। अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा इट्स मैच विथ योर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। आपके पास ऐसा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x − y / 1 + x × 1, दिस इज अवर इनवर्स कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan इनवर्स x − y / 1 + x × 1। क्या आंसर देता है ये फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जस्ट कंपेयर द वैल्यूज। कि हमारा x कौन y कौन, अगर कंफ्यूजिंग होता है x एंड y तो नो डाउट आप ये एक्स एंड वाई कंफ्यूजिंग अगर लगता है कि क्वेश्चन में भी एक्स है, सवाल भी पूछा गया वो वाई के फॉर्मेट में है, तो हाउ वी कैन डू दिस? सो आप ये एक्स एंड वाई को चेंज करा के a − b a + b ऐसा भी लिख सकते हो। सो टैन इनवर्स ऑफ a − b / 1 + a × b को आंसर जाएगा आपका टैन इनवर्स a − tan इनवर्स b। बहुत आदत से सिर्फ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल को बदला दिया, बाकी कुछ भी नहीं। नाउ कंपेयर करो बेटा a यानी 7x, b यानी 3x। फॉर्मूला अगर आंसर दे रहा tan इनवर्स a − tan इनवर्स b, तो 7 3 के लिए क्या जाएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। So after differentiating with respect to x, derivative of y with respect to x कितना?
तो ये डी वाई बाय डी एक्स। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे सेपरेट हुआ, प्लस एंड माइनस, तो मैंने पहला डेरिवेटिव दे दिया टैन इनवर्स ऑफ 7x, सेकंड डेरिवेटिव फॉर टैन इनवर्स ऑफ 3x, रेडीमेड है ये भी आपके पास। डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स 1/1 + x2। सो डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स 7x कितना, 1/1 + 7x2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बजाय कौन आया था 7x, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 3x का कितना, सो 1/1 + 3x2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इसका लिखना पड़ा हमको 3x का। नाउ हियर वी आर यूजिंग अ सिंपल रीजन, डेरिवेटिव ऑफ kx, के अगर ये हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ kx के, तो डेरिवेटिव ऑफ 7x 7, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, यानी डेरिवेटिव ये हुआ आपका 1/1 + 7x2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 49x2। उसके बाद 3x2 को लिख लिए 9x2 डेरिवेटिव्स, एंड आवर फाइनल आंसर इज dy/dx इज इक्वल टू 7/1 + 49x2 - 3/1 + 9x2। दोनों फॉर्मेट में याद रखोगे आप कि किसका किसका कंपाउंड, जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स था तो हम लोगों ने ट्राई किया या हम लोगों ने वहां पे कोशिश की कि वी आर मेकिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, पर वही जब हमारे पास टैन इनवर्स वाले फॉर्मेट में आ, तो टैन इनवर्स वाले फॉर्म के लिए हम लोगों ने लॉजिक यूज किया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसका प्रोडक्ट ये हो, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसकी सम ये हो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वही पैटर्न से गए रिजल्ट को यूज किया कि टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + a × b इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखोगे, एंड देन ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग योर फाइनल डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ dy/dx। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलो। नाउ लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने ये पैटर्न देख चुके हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस फॉर द डायरेक्ट डेरिवेटिव एंड द इनवर्स, व्हेन वी आर फाइंडिंग द डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x वी आर यूजिंग द फॉर्म, बट व्हेन योर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग द इनवर्स फंक्शन एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट योर ओरिजिनल क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इट्स इनवर्स। ओके सो अगेन वी आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन f इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखोगे बेटा, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वैसा ही आंसर करो, अदरवाइज यू गेट अ जीरो मार्क्स। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ इट्स इनवर्स, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर आंसर। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव वी ऑल नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 √x। सी माय आंसर dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x, बट एज वी रिक्वायर्ड द डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इसीलिए करना क्या y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, देन आफ्टर द क्वेश्चन अराइज वी फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y। जब भी ये पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा ये लिखना आपको जरूरी। सो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x,
रूट को हटाना है, इसका मतलब क्या करेंगे, गुड स्क्वायरिंग. सो आफ्टर स्क्वायरिंग व्हाट वी हैव टू गेट, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, रूट गेट कैंसिल एंड y बिकम्स आफ्टर स्क्वायरिंग y. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx by dy एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर दैट इज अ ट्वाइस y. नाउ इनवर्स derivative dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, but the value of dx by dy is twice 1, so 1 upon twice 1, but the value of y is equal to root x. It means we are getting dy by dx is equal to 1 upon 2 root x. अभी ये चीज अपने दिमाग में आई होगी, मैडम हमको तो पहले से ही पता था derivative of y is equal to root of x hota, then why we are not writing derivative of y dy by dx and derivative of root x 1 upon 2 root x. But hamara question hi bol raha humko ki usko pehle convert karo in the inverse, and inverse mein ek baar convert hone ke baad differentiate with respect to y, then use the formula and then getting the result. Similarly the second question is y is equal to twice x plus 3. अभी देखो बेटा कितना आसान था हमारे लिए इसका डेरिवेटिव देना. अगर हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कराते, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ twice x 2, डेरिवेटिव ऑफ 3 0, 2 plus 0 2, और हमको इस पूरे इससे जाना है बाय यूजिंग द प्रोसीजर. अगेन यू कैन राइट द सेम स्टेटमेंट हियर. सो y is equal to twice x plus 3. Now plus 3 change of side, it becomes a minus 3. So twice x is equal to y minus 3. But we require x in terms of y. So twice x ka multiplicative 2 ne apni side shift kara di. So wo division mein chala gaya. So x is equal to 1 by 2 y minus 3. Now differentiate with respect to y. So derivative of x with respect to y कितना, dx by dy, 1 by 2 तो constant ही था, derivative of y with respect to y वो कितना हुआ 1, derivative of constant 0. It means here we are getting dx by dy is equal to 1 by 2. Now dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. So 1 upon 1 by 2, as we know that denominator ka denominator numerator. So 1 upon 1 upon 2 is equal to sirf kitna 2. So required answer for dy by dx is equal to 2. Competitive mein ye sawal aaya, to yahi ke yahi pe nipta lo isko. Wahi sawal agar 2 mark ke liye state board mein aaya, to aapko go through the process hi jana hai isko. Theek hai? Abhi best on this, we are solving some questions from the exercise 1.2 as a practice or as a homework. So some questions for practice from exercise 1.2. First question is, find the derivative of the function y is equal to f of x using the derivative of inverse function x is equal to f inverse of y in the form. ठीक है? तो जो हम लोगों ने अभी procedure use किए वही कि सबसे पहले यू करोगे आप द फंक्शन x इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल y, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन यूजिंग द फॉर्मूला फॉर dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy. देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट को हटाने के लिए क्या कर लोगे स्क्वायर, उसके बाद y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करोगे टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड, फिर y is equal to log of 2x minus 1, 11 में फॉर्म पढ़े हैं अपन ने कि लॉगरिथम को कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करो लॉग में. y is equal to log of 2x minus 1 के फॉर्म को चेंज कराने के लिए क्या करोगे टेकिंग द एक्सपोनेंशियल. एक छोटा सा यहाँ पे आपको ये हिंट दे देती हूँ कि y is equal to log of 2x minus 1 को लिख सकते हो e to the power y is equal to twice x minus 1. ठीक है ना, फिर आप उसको इधर उधर करके चेंज करोगे. नाउ y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3,
सो वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस थ्री में माइनस थ्री को उधर लेके जाओगे, सो वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एंड ई टू द पावर एक्स का फॉर्म कटाने के लिए टेकिंग अ लॉ. फिर y इज इक्वल टू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस थ्री, फिर से एक्सपोनेंशियल है तो कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म ले लोगे, लॉगरिथमिक फॉर्म. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन टू, अभी ये x अपॉन टू को ध्यान में रखोगे कि बेस कितना है टू, हम लोग जब डेरिवेटिव यूज करते हैं तो बेस कितना होता है थ्री, एंड यूजिंग द रिजल्ट लॉग a अपॉन b इट इज लॉग a माइनस लॉग. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ इसमें डायरेक्टली टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, फिर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स फॉर्मूला यूज करोगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यू हैव द रिजल्ट, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जैसे आपके रिजल्ट है इनवर्स के वैसे. उसके बाद 7, 8 एंड 9 में मैंने अभी जो लेटेस्ट में पैटर्न पढ़ा है अकॉर्डिंग टू दैट कि साइन इनवर्स है सो यू मेक द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन, कॉस इनवर्स यू मेक द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर कॉस, यहाँ पे भी कॉस है तो मेकिंग द कंपाउंड एंगल रिजल्ट फॉर द कॉस, यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स में आप फॉर्मूले या रिजल्ट बनाओगे कंपाउंड एंगल के, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इनवर्स के लिए रिजल्ट बनाओगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन. इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर आज करके देखो.